हेलो गाइज, मैं खुशी। वेलकम टू द न्यूज टॉक चैनल। शत्रुघ्न सिन्हा ने हार के बाद बोला कि कुछ तो खेल हुआ है बड़े पैमाने पे। ये शत्रुघ्न सिन्हा ने क्यों बोला और उसके बाद उन्होंने क्या बोला वो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। पर उससे पहले, अगर आप मतलब कि मोदी के जीतने से आप बहुत ज़्यादा खुश हो, अगर सच्ची में कुछ बीजेपी के साथ कुछ ऐसा कुछ खेल हुआ है तो आपको भी अगर लगता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। पर उससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम न्यूज पहुंचाते रहे। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज की न्यूज। शत्रुघ्न सिन्हा को कौन नहीं जानता। शत्रुघ्न सिन्हा पहले बीजेपी पार्टी में थे, फिर उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो कांग्रेस की पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। तब उनके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी में जाने का सोचा और कांग्रेस पार्टी ने भी उनको टिकट दिया और पटना साहिब से चुनाव लड़ने के लिए बोला। और पटना साहिब से जब उन्होंने चुनाव लड़ा तब उनके सामने शंकर प्रसाद उनके सामने चुनाव लड़ रहे थे। और शंकर प्रसाद के सामने शत्रुघ्न सिन्हा 2,83,000 और समथिंग सीटों से हार गए पटना साहिब से। उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बोला कि बीजेपी ने कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज की है, कुछ ना कुछ ऐसा घपला किया है जिसकी वजह से ये सब चीजें हो रही है। जैसे कि हमने आपको बोला कि अगर आपको भी लग रहा है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि अगर आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ घपला करके बीजेपी ऐसे जीती है तो वो भी आप हमें कमेंट करके बताइए। इसी के साथ मतलब कि शत्रुघ्न सिन्हा की बीवी भी यूपी से लड़ रही थी पर उन्होंने भी वहां से जीत नहीं, हार ही हासिल की। उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने ये बोला कि ये सही वक्त नहीं है बात करने का। तो उसके बाद उन्होंने मतलब कि नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को बधाई दी कि वो जीत गए हैं और उसके साथ ही अपने फैमिली फ्रेंड शंकर प्रसाद को भी एक बधाई दी और बधाई देते हुए कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आगे अच्छा काम करेंगे और जो वादे किए हैं उसको पूरे तरीके से निभाएंगे। सो गाइस, जैसे कि अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ, अगर बीजेपी या कुछ भी ऐसी गलती करके या कुछ भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम करके जीती है तो प्लीज़ अगर आपको लगता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप बीजेपी के जीतने से बहुत ज़्यादा खुश हो, उनके पुराने जो उन्होंने काम किए हैं उसके चेंजेस देके बहुत ज़्यादा खुश हो और अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि आगे भी वो कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस लेके आएंगे जिनके लिए आम जनता के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। उसके बाद अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज़ पहुंचाते रहें। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।